हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुकैया बुटीक। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस फ्लेट वाले फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग, जिसके लिए मैंने अपना ये फैब्रिक लिया है। ये 2.5 मीटर है और इसके सलवार की वीडियो भी मैं आपको जल्द ही पोस्ट कर लूँगी, उस पर आप देख लीजिएगा। ये बिना कली वाली सलवार है। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े को खोल लेती हूँ। इसको डबल फोल्ड करके रखना है और इस ड्रेस की अच्छे से समझने के लिए कटिंग और स्टिचिंग पूरी वीडियो देखें, बीच में स्किप ना करें। तो इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, 4 हिस्सों में फोल्ड कर लिया है इसे। सबसे पहले मैं अब इसके तीर का निशान लगा रही हूँ, यहाँ पर 7 इंच पर लगा रही हूँ। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाना है, ये भी मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। और यहाँ से मैं इसे इस तरह से जॉइंट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसकी लेंथ का लगाऊंगी। तो लेंथ मुझे तैयार अपनी 14 इंच रखनी है, तो मैं कटिंग में 15 इंच रखूंगी इसे, मतलब टोटल लेंथ 15 आ जाएगी। इसके बाद मुझे फ़िटिंग का निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर फिटिंग लगा रही हूँ। और कमर का निशान लगा रही हूँ मैं 7 इंच पर। इस तरह से अब मैं अपनी फ़िटिंग की इसको जॉइंट कर लूँगी। उसके बाद मुझे प्लेट्स डालनी है, तो उसका निशान मैं बिल्कुल ऊपर से यहाँ पर लगा रही हूँ 11 इंच पर, और यहाँ से बीच का गैप होगा 3.5 इंच पर। इस तरह से इसे जॉइंट कर लेती हूँ। अब इसे कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से कट हो चुका है। अब जो मेरा नीचे का कपड़ा है, अब मैं यहाँ से ही अपनी स्लीव निकाल लूँगी। स्लीव की लेंथ ये भी देखिए, इस तरह से ये 4 फोल्ड ही है। इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ पहले। मुझे अपनी स्लीव की लेंथ जो रखनी है वो 16 इंच तैयार रखनी है, तो मैं कटिंग में 18 इंच ले रही हूँ, जो फोल्ड करने के बाद मेरा 16 इंच ही बचेगा। उसके बाद आर्म होल का निशान मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 10.5 इंच पर। इस तरह से इसे गोलाई सी दे देनी है, कर्व सी बना लेनी है। और नीचे मोरी का निशान मैं लगा रही हूँ 6.5 इंच पर, जो स्टिच करने के बाद मेरा 4.5 इंच बचेगा। इस तरह से अपनी बाजू की शेप दे देनी है स्लीव की। अब मैं इसे भी कट कर लूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से कट हो चुकी है मेरी स्लीव। अब मुझे नीचे के फ्लेयर निकालने हैं, तो उसके लिए ये जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है इसमें पूरे में निकाल लूँगी। और इधर से साइड से मैं इसे प्लेन कर लेती हूँ पहले। तो ये कुछ इस तरह से आ चुका है, मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। अब जो मेरी फ्रॉक की लेंथ है वो 45 इंच तैयार है, जिसमें से मैं 14 इंच अपनी कोटी का माइनस करूँगी और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी जो सिलाई के मार्जिन में जाएगा। तो इस तरह से मैं अपनी पूरे इस पर निशान लगा लेती हूँ फ्लेयर्स पे। ये देखिए, ये मेरा पूरा ही आ चुका है, बस 1 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मैं ये पट्टी काट लूँगी। इस तरह से मेरे फ्लेयर्ड ये नीचे के कट चुके हैं, ये मेरी स्लीव आ चुकी है और ये मेरी ऊपर की कोटी आ गई। चलिए अब इसको स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले नेक बनाना है, जिसके लिए मैंने यू शेप का नेक लिया है, जिसकी मुझे तैयार लेंथ रखनी है 6 इंच। तो सबसे पहले मैंने इसे इस तरह से कपड़े में पेस्ट कर लिया है, फोल्ड कर लिया है। अब मैं अपने कोटी का फ्रंट पीस उठाऊँगी, आगे की साइड वाला, और उसके बीच में सेंटर में एक कट लगा लूँगी यहाँ पर। और जो मेरे नेक का सेंटर है उसमें भी कट लगा के दोनों को बीच में रख कर अब इसको मैंने स्टिच करना है। पहले बीच में एक सिलाई लगा लूँगी ताकि ये सेट हो जाए, उसके बाद इसकी शेप में यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी। देखिए, इस तरह से ये हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर कट्स भी लगा लिए हैं। अब इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लूँगी, उसके बाद इस पर तुरपाई हो जाएगी। इस पर मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई कर रही हूँ अभी, बाद में इस पर तुरपाई हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से मेरा नेक बन चुका है। अब मुझे बैक साइड वाला बनाना है, उसके लिए मैंने अपनी बैक वाली कोटी को उठाया है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। और ऊपर से मैं इसका निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच पर और नीचे से मैं लगा रही हूँ 5 इंच पर, जो स्टिच करने के बाद मेरा 4.5 इंच बचेगा। तो अपने नेक की इस तरह से मुझे शेप देनी है। अब मैं इसको भी कट कर लेती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, कट हो चुका है। अब मैंने ये उलेब में एक पट्टी ली है अपनी,
जो टेढ़ी कटती है कपड़े की, उसको रेब की पट्टी बोलते हैं। तो इस पट्टी को मैं पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी यहाँ पर, और जो ओपन साइड होगी मेरी इस पट्टी की वो मैं अपने नेक के इस साइड रखकर और एक पैर की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से मैं अपने पूरे नेक पर ये सिलाई लगा लूँगी, इसे स्टिच कर लूँगी अपनी पट्टी को। ये देखिए कुछ इस तरह से हो चुका है रेडी। अब इसमें मैं अंदर की साइड कट्स लगा रही हूँ जिससे शेप जो है नेक की वो अच्छी आ जाती है। इस तरह से पूरे नेक पर कट्स लगा लेने हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पट्टी की साइड एक सिलाई लगानी है। ये मैं अपनी पट्टी पर लगा रही हूँ सिलाई। ये देखिए सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर अपनी प्लेट्स डाल रही हूँ जो मैंने निशान लगाया था। ये मैं दोनों साइड लगाने हैं कोटी के, फ्रंट और बैक साइड दोनों पे। अब मैंने अपने नीचे के फ्लेयर लिए हैं तो इसमें मुझे चुन डालनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अपनी मशीन की सिलाई को फुल कर लिया है। जब हम अपनी मशीन की सिलाई को बिल्कुल फुल कर लेते हैं तो ये इस तरह से पीछे की साइड ऐसे चुन बनती हैं। ये देखिए बैक साइड इस तरह से ये मेरी चुन बनती जाएंगी। ये इस तरह से हो चुकी है रेडी। अब मैं अपनी कोटी का लूँगी पीस और इसको अपने कमर के अकॉर्डिंग मैं इसे जो मेरी चुन्नट है इसको सेट कर लूँगी और इसको स्टिच कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब मैं अपना फ्रंट पीस जो है उसको भी स्टिच कर लिया है मैंने, कोटी और फ्लेयर साथ में। अब मैं इसको इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अब शोल्डर जॉइंट करना है, तीरा जॉइंट करना है। तो इस तरह से ये पट्टी को यहाँ पर रख कर इसको अंदर को फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैं डबल सिलाई कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से मैं इसे यहीं से रिटर्न कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये डबल सिलाई लग जाएगी ऊपर शोल्डर पे तीरे पे। दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है सेम। पट्टी के पीछे रखना है फ्रंट नेक और पट्टी को इस तरह से मोड़कर यहाँ पर सिलाई लगानी है। बाद में हम बैक नेक पर कच्ची सिलाई लगा लूँगी मैं उस पर, और उसके बाद उस पर तुरपाई हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर भी डबल सिलाई लगा ली है। ये देखिए जॉइंट हो चुका है मेरा तीरा। इसके बाद अब मैं इसकी फिटिंग का निशान लगाकर इस पर फिटिंग लगा लूँगी, पूरे फ्लेयर नीचे तक सिल लूँगी इसके। ये देखिए ये हो चुका है रेडी। अब मुझे इसमें स्लीव जॉइंट करनी है अपनी। तो मैंने ये अपना जो कोटी का फ्रंट पीस था उसका मैंने आर्म होल थोड़ा सा गहरा कट कर लिया है। अब मैंने अपनी स्लीव को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है यहाँ पर, और इसका नाप के मैं मार्क कर लूँगी, यहाँ पर निशान लगा लूँगी। और नीचे से मोरी का भी मैं 4.5 इंच पर निशान लगा के अपनी स्लीव की फिटिंग लगा लूँगी और स्लीव को अपनी फ्रॉक के साइड जॉइंट कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है मेरा फ्रॉक। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।